أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. लास्ट टाइम हमने टाइम का किया था सा का और वो कंप्लीट हो चुका था। तो इलियोम वी विल हैव अलवान, लौन और अलवान। शिनो लौन और अलवान? कलर्स कलर्स आईवा ए बिलआरबी। टुडे वी विल डू द रिविजन्स ऑफ, वेट लेट मी शेयर द स्क्रीन। लौन और लेसन इज अबाउट लौन। And the plural of loun will be अलवान alwan. Loun की जमा है alwan. Colors. Okay, एक के लिए loun होगा, ज्यादा के लिए alwan. जी अभी हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे इंशाल्लाह कलर्स के बारे में। जी एक एक करके बताएं। अजरक ब्लू अजरक ब्लू। जी अहमर रेड अहमर रेड। ओके अस्पर येलो अस्फर येलो। जी अस्वद वर्दी ब्लैक अस्वद ब्लैक। इसके पीछे एक और स्टूडेंट ने कहा वर्दी। विच कलर इज वर्दी? पिंक पिंक। पिंक वर्दी पिंक। नेक्स्ट अभियत अगेन उन्नी ब्राउन बुन्नी ब्राउन। एक स्टूडेंट ने अबियद भी कहा है। अब यद अबियद विच व्हाइट कलर? व्हाइट व्हाइट। व्हाइट नेक्स्ट बुर्तकासी बुर्तकासी। बुर बनफसजी त क ली। बुर्तकाली इज विच कलर? ऑरेंज। ऑरेंज अब यहाँ सिर्फ या का डिफरेंस है, ये देखें या हटा दे तो बुर्तकाल फ्रूट हो जाएगा तुम ऑरेंज, सब और ये ऑरेंज कलर। जी अगेन मरासानिया बनफ्स सजी ब नेफ सो जी सजी बनाफ सजी पर्पल पर्पल। पर्पल उबाचिना रसा रसासी र सी। Which color? ग्रे لا رصاصي مو جري. We call it فضي also. Two names we have. سيلفر أيوة سيلور. But what is the difference? رصاصي is the lawn and فضي is the silver. لشاندي. جو هم لوگ چاندی پہنتے ہیں for wearing. That is فضي. But in speaking, they also use Fiddi as a loan. So both name we can use. But Fiddi actual जो है आपने कुरान में भी गौर किया होगा मिन फिद, ठीक है? तो जहब और फिद कुरान में है, सोना चांदी। ओके सो दिस चांदी इज द वेयर विच वी वेयर एंड दिस इज द कलर। ओके रसासी सिल्वर अख़दर अखदर। यस ग्रीन ايوه وبعد شنو اي لون؟ ذهبي ذهبي. اي لون ذهبي جولدن جولدن. جولدن and if I remove the ya الذهب will be جولد ايوه. بعد شنو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 خلاص تمام. اوكي अभी जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं कुछ बताऊंगी थोड़ा सा कि हमारे कलर में भी, एज मैंने आपको पहले बताया कि अरबिक में मैस्कुलिन फेमिनिन है इन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि ब्लू पेन, ठीक है, तो वहां पे आएगा कलम। जी बताएं कैसे आएगा ब्लू पेन फॉर एग्जाम्पल? ब्लू पेन قلم أزرق قلم أزرق قلم أرز أزرق. أرز أزرق أتشا بلو أزرق كار. بلو كار سيارة أزرق أزرق سيارة أتشا زرقاء
زرقاء. سيارة में अजरक नहीं आएगा. अजरक इज अ जरका मैस्कुलिन नेम, ठीक है. उसका अगर आप फेमिनिन बनाए तो वी हैव, मैं इंशाल्लाह लिस्ट फिर आपको सेंड करूंगी. अगर आप फेमिनिन के बारे में बात करेंगे, जरका जरका, जब फीमेल कलर की चीज के बारे में बात होगी तो वहां फिर उसका फेमिनिन कलर यूज होगा, फेमिनिन के लिए भी और जमा के लिए भी. जब आप ज्यादा ज्यादा की बात करेंगे ना, तब भी ये जरका यूज होगा, जरका. तो अजरक का फेमिनिन आएगा जरका, ठीक है. अच्छा आप देखे ना कुरान में जब वो गाय का किस्सा आता है, वो पूछते हैं बार बार ना कि कैसी होनी चाहिए, कैसी. तो बाद में वो आखिर में कलर का भी पूछते हैं कि किस रंग की होगी. तो उन्होंने कहा सफरा. क्यों? क्योंकि बकरा क्या है? फेमिनिन है. सफरा, इसमें असफर नहीं आएगा, सफरा. देखिए, ठीक है. तो असफर का फेमिनिन है सफरा, सफरा. अस्पर सुफरा यस. अहमर का फिर क्या आएगा? अमरा हमरा, हमरा. सैयारा हमरा, सैयारा अहमर नहीं होगा. अगर आप सियारा रेड कार कहेंगे तो सैयारा हमरा, बैत अहमर, कलम अहमर, ओके. लेकिन सैयारा हमरा, दीज आर द फेमिनिन नेम्स ऑफ कलर्स फीमेल के लिए, जो मुअन्नस के लिए, मुअन्नस अलवान है ये, ठीक है. स्टार्ट वाला हमजा और जो अलीफ है वो लास्ट पे आ जाएगा। यस. तो ग्रे कलर को क्या कहते हैं? ग्रे, यस. ग्रे के टाइम पे एक स्टूडेंट ने बताया था, सॉरी, जब रसासी सिल्वर का. यस. नो नो नो, नॉट रसासी, दैट इज टू सिल्वर. रसासी इन फिद्दी और सिल्वर, वो भी रा से ही स्टार्ट होता है. No, I don't. रमादी अयुआ, रमादी. नाम नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने चारकोल देखा होगा, राइट? कोयला, जिसको हम कोयला बोलते हैं. जी तो एक तो चारकोल होता है वो अपनी शेप में, जब तक आप उसको यूज नहीं करते दैट इज चारकोल. लेकिन जब आप यूज करके उसका जो मिक्सचर बन जाता है ना ग्रे कलर का, एश अभी मुझे एग्जैक्टली उसका नाम उर्दू में नहीं पता, उसको हम रमाद बोलते हैं. राख कुछ इस तरह से राख है. यस राख यस, दैट इज राख रमाद इन अरबिक. यस, ठीक है. तो रमाद ही फिर जो है ग्रे कलर हो गया. सुरमई कलर जो होता है अस्वत यस यस, एग्जैक्टली. जी, अस्वत का बताएं. सॉरी बाकी का सौदा आप देखें, सऊदा, सौदा वही. सिर्फ जो अलिफ हमजा है ना वो एंड में आ जाएगा, ओके 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 वही सेम है उसमें. सऊदा, सऊदा इसमें भी आप देखे ना. इसमें जाए अहमर में, तो ये हमर का वर्ड वही सेम है, लेकिन ये अलिफ हमजा एंड में आ गया. फिर असफर का देखे, सफर वही है, लेकिन ये अलिफ हमजा एंड में आ गया. तो ओके कुछ ऐसे होंगे, ठीक है. सऊदा, तो इस कलर में तो अलिफ है इसलिए वो अलिफ हमजा आया, लेकिन कुछ में अलिफ नहीं होगा, ठीक है. तो वहां पे आपने तामरबूता का इस्तेमाल करना है. जैसे हमारे पास वर्दी है, नो, तामरबूता या तो है ना, दिस इज विद कलर, वर्दी. तो फिर वर्दा नो, या आप स्किप कर रहे हो ना, या को साथ लेके चले था. यस, वर्दी वर्दी. वर्दी यही वन एंड ओके डिजर्ट दिस वन बनी है बुन्नी है. बनिया बुन्नी है, बनिया बुन्नी बुन्नी है. बनिया बनिया और इसका फिर वही सेम है, क्योंकि अलिफ हमजा है. बैदा बैदा भाई वाह, ये आपने प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम की स्टोरी में सुना होगा, बैदा यस चमकता हुआ. यस यस अयो, चमकता हूँ सांप बन गया यहाँ पे या है तो तामरबूता लगेगा. जी, ऑरेंज फॉर फीमेल. बुर्तकालिया बुर्तकाली है. बुर्तकालिया बिना सजिया बनफ सजिया बनफसजी है. अयुआ, द सेम बट तामरबूता. जहाँ जो अलिफ से स्टार्ट होगा वो उसके एंड में आएगा, और जिसके एंड में या है वहां से तामरबूता का डिफरेंस होगा. बनफ सजी है. वो बात फदिया फिदिया और रसासी है.
صوصية. And this one? خضرة. 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 And golden? ذهبية. ذهبية. This one? لما سمجھ آ گئی؟ دو دی قسم کے ہیں جی، یہ بہت ہی ایزی ہے. جو الف سے اسٹارٹ ہوں گے، الف حمزہ سے، وہ اس کے اینڈ میں آ جائے گا، اور جو یا پہ اینڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ جسٹ تا مربوطہ لگانا ہے. ایزی ہے نا؟ کلر جو ہے انگلش مینشن کر دیں وچ ون سب کے ساتھ، مطلب جو نیو ہے ان کے لیے یاد رکھنا ایزی ہو جائے گا، جنہوں نے پہلے تو پڑھا ہوا ان کے لیے تو ایزی ہے. اوکے ان شاء اللہ. چلے آپ پروناؤنس کریں، میں لکھ دیتی ہوں، مسئلہ نہیں. جی ارزق، نو نو، یہاں سے کریں، ہیڈنگ سے. جی الوان، سنگل، پہلے سنگل ہے، لون، الوان، پھر جی جی الوان، اوکے، پھر کلر پہ آ جائیں. جی ارزق. میرا یہ ایز مطلب تھا کہ نیم ہے وہ لکھیں، یہ تو ایسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا اچھا نہیں تو وہ لکھا ہوا نا، آپ دیکھیں، یہ ازرق کا زرقا ہے، احمر کا حمرا ہے، یہ دیکھیں جیسے دونوں بلیک لکھے ہوئے، کلر ہے، وائٹ کلر ہے، گرین ہے، وہ میں کہہ رہی سب تھی. سب سب کا ہو گیا. دیکھیں، سودا وردی کا وردی یا بنی کا بنی میں یا شاید ابیت، انگلش میں لکھنے کو کہہ رہی ہوں گی، انگلش میں میں لکھنے کہہ رہی کو. ہوں میرے ساتھ کلر جیسے وائٹ کلر ہے اس کے ساتھ، اب یا اب یہ بیدہ آپ نے لکھا ہوا اس کے ساتھ وائٹ جو ہے وہ میں ہاں، لکھ رہا ان تھا، وہ انگلش انگلش. یو وانٹ، ان انگلش یس یس، وہ تو انشاءاللہ میں آپ کو چارٹ بھیج دوں گی، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو جسٹ فار سمجھانے کے لیے، جی وہ وہ بہت چارٹ تو آپ کو مل جائے، ماسکلین فیمینین دونوں مل جائیں گے انشاءاللہ. جی. یہ سارے ہوتے ہیں مونس اور مذکر میں، یس، ہر کلر کا، وہ ڈیپینڈ ہر کرتا ہے کلر نا، کا. یعنی آپ چیز جس دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل جی میں ایگزامپل دیا کہ اگر آپ سیارہ کی بات کریں تو جی وہ جی پھر فیمینن ہے، اگر جیسے بقرہ ہے وہ بھی فیمینن ہے. آپ پارٹس آف باڈی میں جائیں، سپوز آپ کسی سے کہتی ہیں آپ کے بال، ٹھیک ہے، تو جی شعر یہ بھی ماسکلن ہے، زیادہ تر تو باڈی پارٹ جو ہے وہ ماسکلن ہی ہے شعر، جی جی تو اس میں وہی نارمل، جیسے اگر آپ کے بال بلیک ہے تو شعرك اسود، اس میں سودا اسود. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. زیادہ تر آپ کو پارٹس آف باڈی جو ہے وہ ماسکلن ملیں گے، مذکر. جی یا چلے ابھی آ جاتے ہیں ڈارک اینڈ لائٹ پہ، کچھ کلر لائٹ ہوتے ہیں، کچھ ڈارک ہوتے ہیں. ڈارک اینڈ لائٹ، جی اینی اسٹوڈنٹ، ڈارک لائٹ، بس یہ فرق ہوتا ہے کہ ہم انگلش میں بولتے ہیں ڈارک بلو، تو ڈارک اس میں اسٹارٹنگ میں آ جاتا ہے اور بلو بعد میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں کلر پہلے ہوتا ہے اور ڈارک اور لائٹ آفٹر ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ ازرق پہلے آئے گا، ازرق، اور جو ڈارک ہے غامق، ازرق غامق، ڈارک بلو، ڈارک بلو ازرق غامق. لائٹ لائٹ کو کیا کہیں گے؟ ازرق فاتح، فاتح فاتح، اور یہ ایز اے کلر ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس لائٹ ویٹ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا وزن کے لحاظ سے، تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے. یہ دس از اونلی فار کلر، ازرق فاتح، لائٹ بلو. دس از بلو، دس از بلو، هذا أزرق هذا اور أزرق هذا بھی آپ نے چیک کرنا ہے آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. هذا ازرق، دس از بلو، اگر قمیص کے بارے میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ قمیص بھی ماسکلن ہے. هذا ازرق، هذا ازرق، أزرق دس از بلو. اوکے، قمیص، قمیص ہمارے یہاں جو ہم پہنتے ہیں پاکستان انڈیا میں وہی قمیص ہوتا ہے، بس ان عربک قمیص از دا ٹاپ، وہ شارٹ بھی ہو سکتا ہے، لانگ بھی ہو سکتا ہے، اینی کائنڈ، جو ہم ٹاپ پہ پہنتے دیٹ از کال قمیص. اوکے اوکے، مائی شرٹ اور مائی ٹاپ از بلو،
कमीज से, बाय कमीसी एडिंग या। यस, कमीज के साथ अजरक लगेगा, कमीसी अजरक। अजरक अजरक कमीज या एंड इफ आई से अजरक ओ अबियक, कमीसी अबियद मेरी कमीज अजरक। और एंड ब्लू है, मतलब यस ब्लू ब्लू एंड व्हाइट एंड है, यस व्हाइट कमीसी अजरक ओ अबियद। और ओके यहाँ पे बिल्कुल जो हमने पूछा है कि हाद अजरक, ये तो आंसर है। अगर मुझे पूछना ये कौन सा कलर है, विच कलर इज दिस, आइलॉन आई विच लॉन कलर, हादा आई लॉन हादा, आई लॉन हाँ हादा, हाँ आई लॉन हादा। सो यू विल से हादा अजरक, हादा लॉन अजरक भी कह सकते हैं और हादा अजरक, क्योंकि आपने डेफिनेटली क्वेश्चन में पूछ लिया ना कि कौन सा लॉन है, तो नो नीड टू रिपीट। हादा अजरक, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू। ब्लू अच्छा यहाँ पे आपने बताया कि कमीसी, माई कमीज और माई टॉप इज ब्लू। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू, विच कलर इज योर टॉप, योर कमीज, आपका कमीज कौन से रंग का है? आइलॉन कमी सक हाँ, अगर आप मेल से पूछ रहे कमी तो कमी सच सक, और अगर फीमेल कमी है कमीसच, सच ठीक है। मतलब कमीज के बजाय आप नॉर्मल वर्ड यूज सकते हैं, मलाबस। आइलॉन ओके मलब सो आई लॉन मलाबसक, आई लॉन क्या मतलब है, आई लॉन मलाबसक। ड्रेस, आपकी ड्रेस का कलर कौन सा है? ठीक है। अब इसमें कमीज वगैरह कुछ नहीं, ऑल द ड्रेस यू कैन आस्क कि आपका ड्रेस कौन से रंग का है। आई लॉन मलाबसक, अगर वो मेल है तो मलाबसक, फीमेल है तो मलाबसच। सच विच कलर इज योर कार, आपकी कार कौन सी रंग की है? लॉन सैयारा पर सैयारा है, उसका जो तामर बूटा मेल है उसको हम ओपन करेंगे। मेल से पूछ रहे तो सैयारा चेक, फीमेल है तो सैयारा तेज। आई लॉन सैयारा सैयारा चेक सैयारा एंड माई आंसर इज माई कार इज वाइट। सैयारती अबियद सैयारा थी ला मो अबियत, बिकॉज सैयारा फेमिनिन, बैदा बैदा। सैयारा दो थी बैदा, यस दो सैयारा थी बैदा, माई कार इज बैदा वाइट। सैयारा थी बैदा, सैयारा थी बैदा। खलास, जी आलम, आलम किसको कहते हैं? फ्लैग आलम, सो पाकिस्तान फ्लैग इज ग्रीन एंड व्हाइट। अलम पाकिस्तानी पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान, ओनली अलम पाकिस्तान। पाकिस्तान अहदर अबयद أخضر وأبيض أخضر أبيض عند علم بحرين، ألم علم بحرين بحرين أحمر وأبيض and again if I want to ask as a question which color is Bahrain flag أيلون ألم بحرينية بحرين only بحرين أي لون علم بحرين أي علم لون بحرين بحرين فلاج أي لون علم بحرين ألم بحرين أحمر وأبيض يس أحمر وأبيض جي آپ ظاہر ہے تھوڑے سے سینٹینسز بڑھیں گے تو وی ول نیڈ سم وربس بہت ہی فیو
ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़े बहुत आपको स्टार्टिंग में भी जो छोटे मोटे इस्तेमाल के होते हैं वो आपको आने चाहिए। अच्छा, यहाँ हमारे पास है फैमिली मेंबर अब। हु इज द अब इन अरब? फादर। फादर, फादर, यस फादर, एंड इफ आई एड योर इट विल बी माय फादर, अभी, ये मेरे आएगा अभी माय फादर। बट द नेक्स्ट फादर, वर्ड विच आई हैव इज आई विल यूज टू बा, डबल बा, अब बा या बी। सो द टोटल वर्ड इज अब बी। व्हाट डज आई दैट वांट, मीन? आई आई वांट, वांट, ये होगा आई वांट। ये सिर्फ फर्क है कि अभी में वन बा है और आई वांट में टू टू। माय ठीक है, फादर, ये रख। ओके, आई वॉन्ट ब्लैक कलर। अभी लोन, अभी अस्वर, अभी लोन, अभी को डायरेक्ट पढ़े, अभी लोन अस्वर, अभी अभी लोन, लोन अभी लोन, अभी लोन अस्वर। अभी लोन, खलास। जी अच्छा, आई वॉन्ट दिस कलर, आई अभी हादा लोन, दिस कलर, हादा लोन, अभी यस हादा, अभी अभी हादा हादा लोन, यस लोन अभी हादा लोन, लोन। आई वॉन्ट दिस कलर, यस अभी हादा लाउन, अभी भी हादा लाउन। होता है और हाजा भी होता है कि बस हादा ही हाजा होता हम, है, नो, हाजा हादा स्पीकिंग में आता है। हाजा जब हम फुसहा पढ़ते हैं स्टैंडर्ड अरबिक रिटन फॉर्म में, ये स्पीकिंग स्टाइल है कि ओके जाल जो है वो दाल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके वन रिटन आप देखिए ओके कुरान में, बुक्स वगैरह में, और वहां पे हादा ही कहा कहते हैं, लेकिन दिस इज अ स्पीकिंग स्पीकिंग स्टाइल, लोकल अरबिक। ओके थैंक अभी का नेगेटिव फॉर्म बनाए कि मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। माँ भी, यस माँ ला, भी ना, ला भी है, नहीं वो फुसा है, यह स्पीकिंग में माँ और मुंह का इस्तेमाल होगा, बस माँ और मुंह। अभी आई डोंट वांट दिस कलर, हादला, माँ भी हादलोन, माँ यस दिस कलर, माँ भी हादा लोन, माँ भी अभी हादा लोन। हादला, तो यहाँ पे एक वर्ब आपके पास आ गया जो बहुत ही इजी है, आई वॉन्ट और आई डोंट वॉन्ट। आई डोंट वांट, चलो गुड, अब इसके बाद जो दूसरा हमें चाहिए होगा दिस वन। हाँ नो, इसके और सेंटेंसेस थोड़े बनाने हैं, अभी मुझे याद आया कि आई वॉन्ट डिफरेंट कलर, मुझे डिफरेंट कलर चाहिए। अभी लोन मुख्तलफ, मुख्तलिफ, मुख्तलिफ उर्दू का वर्ड है जो अरबी में भी मुख्तलिफ इज डिफरेंट, अभी लोन मुख्तलिफ। लेकिन अगर इसके जगह मैं बोलूं कि अभी लोन गैर, कुछ और दूसरा कलर दिखाएं, दूसरा कलर, लोन गैर, यानी अभी अनदर कलर, मुझे तो अनदर अनदर, कलर है, यस अभी वही करते, लो, आई वांट अनदर कलर, अभी यस लोन गैर, गैर, मुख्तलिफ इज डिफरेंट, गैर इज एन अदर, दूसरा रंग, अभी मुलावन, नो आई वॉन्ट टू कलर, दैट इज ओनली लव वन, फॉर कलरिंग द वर्ब इज लव वन, ओनली लव वन, द मीम इज नॉट देयर, लव वन, मतलब कलरफुल,
कलरफुल मिलावन, मल्टी कलर मिलावन, ठीक है। और मल्टी जो माशाल्लाह आपने कलर। बताया ना कि आई वांट टू कलर, वो बन सकता है लवन, अगर आप सिर्फ लवन करें मीम को हटाए, तो दैट मीन्स कलरिंग, वो भी एक वर्ब है। मिलावन का मतलब है कलरफुल, एंड लवन मीन्स टू कलर। लाइक अगर कोई बच्चा है आपसे, वो कह रहा है कि अभी अलवन, तो उसने लवन यूज किया, ठीक है। आई वॉन्ट टू कलर, कलर ये फिर आपके पास आ गया लवन, अभी अलवन, आई वॉन्ट टू कलर। बस अभी मुलवन की बात है, तो मुलवन इज कलरफुल, मल्टी कलर। ओके ओके आई वांट डार्क। आई वॉन्ट डार्क, अभी गामक। खलास, जी नाउ नंबर टू वर्ब वी हैव इज हैव, शी नो हैव, लव और लाइक आई लाइक विल बी, लाइक हाँ। आप देखिए माशाल्लाह, जब हम नाउन को माई करते हैं तो उसकी या एंड में लगती है, राइट। हमारे पास इन स्पीकिंग लैंग्वेज वी हैव ओनली टू थिंग्स, नाउन एंड वर्ब्स, बाकी ग्रामर का कुछ पोर्शन नहीं है। तो जब नाउन के साथ हमने कुछ भी करना होता है, जैसे माई, योर्स, हिज, हर, तो जो भी एडिंग चीज होती है वो उसके एंड में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बैत है, जब आप कहते हो बैत थी माई हाउस, तो वो एंड में आता है, नाउन के एंड में। या बैठक, योर हाउस एट द एंड ऑफ द नाउन, इसी तरह सब पर्सन के लिए एंड में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड पे जब हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं फॉर आई, यू, ही, शी के लिए, तो वो एट द फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। कुछ भी एडिंग करनी हो तो बिफोर द वर्ब वो होता है। अभी देखिए, जैसे अलिफ लग गया तो वो हैव के स्टार्टिंग में है, आई हैव, इससे पहले भी था, अब भी, वो अलिफ भी आई के लिए है, अब भी मीन्स आई, और आई हैव इज ऑल्सो आई। आई लाइक दिस कलर, लोन यस, आई हैव हैड अ लोन, आई हैव हैड अ लोन लोन, आई लाइक दिस कलर, एंड द नेगेटिव फॉर्म विल बी मा मु मो, आई हैव हादला मो एंड मो इज हादला सेम, मो आई हैव हैड अ लोन, लोन मो आई हैव हैड अ लोन, आई लाइक लाइट कलर, लोन फाते ये तो एक के बारे में बात हुई ना कि मुझे लाइट कलर पसंद है, कलर। और अगर मुझे कहना हो कि आई लाइक लाइट कलर्स, मुझे हल्के रंग पसंद है, रंग, ऑल, अलवान फाते अयुआ, अलवान फाते, खलास। जी अब आइंदी का क्या मतलब है? फास, आई हैव आई हैव, मेरे अच्छा, तो सिर्फ हैव के लिए फिर क्या वर्ड है? ओनली हैव, एंड इंड आई, तो या लगा माई के लिए, आई, आई हैव, ठीक है, आइंद इज द वर्ड, एंड आइंदी आई हैव, ओके। आई हैव रेड ड्रेस, आई हैव रेड ड्रेस, एंड आइंदी, अहमर अहमर, नॉट अहमर, अहमर, أحمر عندي ملابس ملابس أحمر أحمر. I have three colors. عندي ألوان عندي ثلاثة في three عندي colors. ثلاثة عندي Yes. ثلاثة ألوان ألوان. عندي ثلاثة ألوان. آپ دیکھیں جو ہمارا سینٹنس تھا بہت ہی پہلے، ایک تو تھا کہ انا مشغول، رائٹ، جی اس کا مطلب کیا تھا؟ انا مشغول، بزی اور سم ٹائم پھر ہم کہتے ہیں انا وايد مشغول، وايد مشغول، وايد یاد آیا؟
वॉयल, वेरी तो यहाँ पे भी बिजी। वेरी और टू मच, वेरी और टू मच दोनों के लिए वॉयल का मतलब हुआ वॉयल, यू इंडी कैन यूज वॉयल वॉयड एंड वॉन्ट। गुड गुड, हेलो तो हेलो यानी नाइस के फॉर्म में आता है, नाइस हेलो। जैसे अगर किसी ने ये नया कपड़ा पहना और आपके सामने आके कहता है कि हाउ इज दिस, कैफ हादा, यू विल से हेलो माशाल्लाह हेलो। अगर उस वेदर है आपका और आप बाहर निकले, आपने कहा माशाल्लाह अल जो हेलो, द वेदर इज गुड, गुड एंड नाइस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ऑप्शन में पूछे कि ये कलर कैसा है, तो यू कैन से हादा लोन हेलो नाइस माशाल्लाह हेलो माशाल्लाह हेलो। ओके अल जो हेलो। एक बात और सब याद माशाल्लाह रखे कि जैसे अरबी में मैस्कुलिन फेमिनिन है, तो जब जमा की बात होती है वहां भी हम फेमिनिन के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मलाबिस भी लिबस की जमा है ना, वो तो मैस्कुलिन नहीं है बजाहिर, तो उसमें तामरबूता शो नहीं हो रहा, लेकिन है तो जमा ना, तो जमा के लिए और मुअन्नस के लिए सेम लगता है, मलाबिस एक हिलवा जमा है, दैट्स वाई। तो जमा और मुअन्नस के लिए सेम इस्तेमाल होता है। अगर नाइस हेलो है तो मो हेलो विल बी हादा मो हेलो। ओके ये गुड की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है। गुड वाला वर्ड फिर ज़ैन है, हादा ज़ैन, हादा मो ज़ैन, वो अलग बात है, ये नाइस के इसमें ओनली नाइस। देख, अगर ये बोलेंगे बिन टच हिलवा, हेलवा कि आपकी बेटी नाइस है, हेलवा बट हेलो वलदक हेलो, ठीक है। हेलो ये बिंत हो गया, बिंत इज डॉटर, व्हाट्स योर नेम, सादिया माशाल्लाह ओल्ड स्टूडेंट राइट, जी। ओके बिंतक और बिंतज हलवा, ब्यूटीफुल फिर वो दूसरा वर्ड होता है, ये नाइस के उसमें है, ठीक है, वो जमीला होता है फिर हलवा, बिंतज हलवा, और वलद इज बॉय वलदच हेलो। हेलो ये दो डिफरेंट हा क्यों यूज अल्लाह अकबर, नो नो ओनली दिस हा, क्योंकि वो हलवा में, फिर हलवा ऐसे लिखा जाता है ना, अगर ये वाला करें हलवा, ओके वो स्वीट के लिए ओके है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो चुकी है, दिस वन ऑल आर द लाइट हा, अदर हा इज फॉर स्वीट एनी काइंड ऑफ हलवा। ओके वो भी लिख लेते हैं हलवा इज ओके यस हलवा। एनी स्टूडेंट हैव कुछ कंफ्यूजन है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क नाउ अबाउट ओनली ऑन कलर, ठीक है, अबाउट टुडे दर्स दर्स लियोन, किसी को कुछ भी पूछना है नाउ यू कैन आस्क प्लीज। वही है ना तो नादिया, तजवीद की जुबान में हम इसको ना अलिफ मकसूरा कहते हैं। आईवा, यस यस एग्जैक्टली, अलिफ मकसूरा, जी 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 जो अलिफ तजवीद के मकसूद स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा बिल्कुल। जी ठीक है, तो वो काफी वर्ड के साथ ऐसे आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस सुनाया आई डोंट लाइक डार्क कलर्स, ओ इलवान पे वाबे, आपने दम दम्मा क्यों लगा रही है, ओ हब, वो तो आ है ना, ओके क्योंकि ओके ओके हम ओके ओके जी मुंह दोबारा मुंह मा मा माँ, ओके मा माँ यही बस पूछना था, मुंह करूंगी या माँ। मा, ज्यादातर माँ ही होगा माँ। अब ये भी है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि कब माँ का इस्तेमाल करना है कब मुंह का, तो जी जब नो सेंटेंस के फर्स्ट में होता है तो तब मुंह, अब देखिए आई डोंट, तो फिर ये माँ स्टार्टिंग में आएगा, जब डोंट आपने इंग्लिश में इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज करना। इनशाला नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये काफी क्लियर कराऊंगी कि कब आपने मुंह और ओके कब आपने माँ का इस्तेमाल करना, और यहाँ पे ऊ नहीं करना, ठीक है, अहब है, ओनली वर्ब हमारा हैब है, हाँ और ओके अहब अलिफ आपने लगाया फॉर आई के लिए, माँ अहब, माँ अहब, माँ अहब आई लाइक, माँ अहब आई डोंट लाइक। इंशाल्लाह दुआ पढ़ के मजलिस का तमाम करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। जजाकल्लाहु खैर, मा अस सलामा टू ऑल ऑफ यू।